तो इसने ऐसा देश की क्या सेवा की जो राष्ट्रपति के हाथों मोदी ने इसको पुरस्कार दिलवाया। बस मोदी जी, भारत एक चीज जानना चाहता है कि आपका और कंगना का रिश्ता क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, बता दें। वे जो अंधभक्त हैं, मुझे गाली देने के बजाय 10 मिनट शांत मन से सोचना कि इस भारत माँ का लाल सोनू सूद है या मोदी जी की चहेती, ये क्या है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा, हमारे साथ हरेंद्र ताऊ हैं और हम बात करेंगे अभी अभी राष्ट्रपति के हाथों कई लोगों को जो है सम्मान मिला है, पुरस्कार मिला है, उनमें से एक कंगना रनौत भी हैं। कंगना रनौत, वही कंगना रनौत जिन्होंने किसानों को लेकर कई ट्वीट किए थे और ट्वीट में उन्होंने किसानों को खालिस्तानी तक बताया था। इसके अलावा कोरोना के टाइम पर भी उन्होंने काफ़ी ऐसे ट्वीट किए जिसकी वजह से जो है ट्विटर ने भी उनका अकाउंट बैन कर दिया था, क्योंकि वो नफरती ट्वीट थे समाज में, और अब उन्हें सम्मान मिला है। तो हम जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्या काम किया है हरेंद्र ताऊ से, कि कैसे देखते हैं कंगना रनौत को एक राष्ट्रपति के हाथों अवार्ड मिलना। देखिए, जो देश में नफरत फैलाते हो, और क्या है वो, एक नाचने गाने वाली, उसको किस बिना पे जो दिया गया है। देश में नफरत फैलाना, शायद मुस्लिम कम्युनिटी को जिहादी व्यादी इस तरह के शब्दों से नवाजना, किसानों को खालिस्तानी के नाम से नवाजना, और इस तरह के उस पर अवार्ड मिलना। कोरोना काल में कहाँ थी वो, और एक उसी फिल्म इंडस्ट्री से, भारत माँ का सच्चा सपूत, उसे सच्चा सपूत, मैं तो उसे सल्यूट करता हूँ, सोनू सूद, जिसने पूरे कोरोना काल के अंदर जो भी उसके यहाँ सेवा के लिए पहुँचा, सेवा दी, लोगों को कोरोना काल में बसों से, हवाई जहाज से घरों तक पहुँचाया। कोरोना काल में ये राजनेता उससे मदद मांगते थे, मदद दी। कई क्रिकेटरों के तो मैं नाम भी बता सकता हूँ जिन्होंने मदद मांगी उससे, और शायद 10 से 15 मिनट में उसके घर तक मदद पहुंची, जिसमें पंजाब के हरभजन सिंह का मुझे नाम याद है, उन्होंने भी मदद मांगी थी, और आज भी वो मदद कर रहा, बच्चों की पढ़ाइयों में काम कर रहा है, लोगों की इलाज में आज भी काम कर रहा है, उसको क्या मिला। तो इसने ऐसा देश की क्या सेवा की जो राष्ट्रपति के हाथों मोदी ने इसको पुरस्कार दिलवाया। बस मोदी जी, भारत एक चीज जानना चाहता है कि आपका और कंगना का रिश्ता क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, बता दें आज देश को। और जो अंधभक्त हैं, गालियां बहुत देते हैं मुझे, अच्छी बात है, जब मुझे गालियां देते हैं तो मैं समझ जाता हूं कि तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा है, बता दें। वे जो अंधभक्त हैं, मुझे गाली देने के बजाय 10 मिनट शांत मन से सोचना कि इस भारत माँ का लाल सोनू सूद है या मोदी जी की चहेती, ये क्या है, इसने कौन सी देश की सेवा की। और पद्मश्री मिला शायद, वो जो पुरस्कार मिला है, और राष्ट्रपति महोदय, आप देते हैं या तो आप फाइल नहीं देखते हैं, आज मैं, जबकि उन पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, या बस आपका काम है कि सरकार जिसे कह दे आप उठा के उसको दे दे, ये नहीं होना चाहिए। कम से कम आपके पास पूरा स्टाफ है, उसकी जांच कराए कि सरकार आपसे कोई गलत काम ना करा दे, और सरकार ने आपसे ये गलत काम करा दिया है, और जिस टाइम उसने ये ले लिया उसके बाद भी नफरत भरे शब्द, जिहादी बोलती है, जिहादी कौन है, और अगर देश में मुस्लिम जिहादी हैं तो वो देश में है क्यों, और अगर किसान खालिस्तानी है तो वो किसान क्यों, जेल के अंदर होने चाहिए। अगर मैं खालिस्तानी हूँ तो मैं जेल के अंदर होना चाहिए, यहाँ क्यों खुला घूम रहा हूँ मैं। ठीक है, आपने सोनू सूद का नाम लिया, सोनू सूद को
पुरस्कार सम्मानित किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, ये एक अलग मैटर है, लेकिन कंगना रनौत को सम्मानित किया गया है। नहीं, आप इस वजह से विरोध तो नहीं कर रहे हैं कि इस आंदोलन को लेकर उन्होंने बहुत सारे ट्वीट किए हैं, इस आंदोलन को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, यहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं उसको ले उसकी उन्होंने आलोचना की है, तो क्या इस वजह से आप दुख व्यक्त कर रहे हैं कि नहीं उसे सम्मान नहीं मिलना चाहिए? देखिए, इस आंदोलन में कौन ऐसा है भारत सरकार के अंदर या बीजेपी के अंदर या आरएसएस के अंदर जिसने हमें कुछ ना कहा हो? हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसी उपाधि है जो इन लोगों ने हमें ना दी हो? खालिस्तानी, पाकिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, माओवादी, नक्सली और भेड़िए, आंदोलनजीवी, अरे हमें तो अय्यास जीबी भी कहा है। मैं ये शब्द कहना नहीं चाहता था क्योंकि हमारी माता बहन भी देखती है। अच्छा, हम कंगना रनौत पर बात कर रहे थे। कंगना, आपने कहा कि उनको क्यों अवार्ड दिया गया? जैसे कोई भी किसी का खेल, जैसे माना कोई क्रिकेटर है, अच्छा वो कुछ उस खेल में करता है तो उसको सम्मानित किया जाता है। वो ऐसी वो अभिनेत्री हैं, उन्होंने अभिनय किया, कुछ ऐसी फिल्में बनाई जो बहुत ज़्यादा चली, बहुत ज़्यादा यादगार रहीं, तो इस वजह से उनको अभिनय को लेकर उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऐसे अलग अलग मंच होते हैं, जिस मंच से जो बंदा होता है उसको उसी के हिसाब से अवार्ड दिया जाता है, और यही वजह हो सकती है जो कंगना रनौत को पुरस्कार मिला। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में ये इतनी पॉपुलर नहीं है, ये जब भी आई कॉन्ट्रोवर्सी से इसका नाम आता है, जब भी आता है इसका कॉन्ट्रोवर्सी में नाम आता है। उस फिल्म इंडस्ट्री में इससे एक से एक बेटर कलाकार हैं। इसकी कौन सी कलाकारी पे, इसलिए कलाकारी पे हुआ कि ये मोदी के नजदीक है, ये बीजेपी के नजदीक है। अरे यार, किसी का एक छज्जा टूटता है और उसे जेड या वाई प्लस की श्रेणी की सुरक्षा मिल जाती है, और यहां लोगों के घर लुट गए हैं, लोगों के बुलडोजर चल गए कि बीजेपी को वोट नहीं दे रहा तो बुलडोजर से इसका घर उठा दो, उड़ा दो। अभी जिला पंचायत में उड़ा ना, इधर कानपुर के आसपास। कौन सा किसानों पे बुलडोजर चढ़ा दिए गए, गाड़ी चढ़ी ना थार, और अपराधी पकड़ लिए। कहाँ पकड़े? टैनी, जो पूरा मीडिया, जिसे आप सोशल मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हो, सब ने, देश के प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने कहा कि वहाँ गोली नहीं चली, और आज बैलिस्टिक रिपोर्ट आई है कल, वो कह रहे हैं कि दोनों की गन से गोली चली है। अब कौन जवाब देगा? देश से माफी मांगोगे झूठ बोलने का? बताएं। और अभी तक उससे इस्तीफा लेके उसे जेल नहीं भेजा गया, अपराधी को साथ लेके घूम रहे हैं। क्या कारण है मोदी जी, जवाब क्यों नहीं देते? आप सबके साथ रिश्ते कैसे जोड़ते रहते हैं मोदी जी के? अरे, देश का प्रधानमंत्री है तो आप गृह मंत्री किसने बनाया? उसे सांसद तो जनता ने बनाया, गृह मंत्री किसने बनाया? गृह राज्य मंत्री किसने बनाया? मोदी ने, अपने मंत्रिमंडल में मोदी ने लिया, तो मोदी जिम्मेदार होगा या नहीं होगा? और उत्तर प्रदेश में योगी को मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसका राज है। कंगना को भी तो आप मोदी से जोड़ रहे हैं कि मोदी का रिश्ता क्या कहलाता है? बताओ, उसको वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा किसने दी? उसको ये पुरस्कार किसने दिया? किसने दिया बताओ? राष्ट्रपति को देने का अधिकार है, उसको चुनने का अधिकार किसे था? उसका नाम किसने भेजा? करा लो जांच, पीएमओ निकलेगा उसमें।